नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं राहुल भदौरिया। पिछले एपिसोड दान और हम सबकी भागीदारी में आपने यह जाना कि यह संसार मानव शरीर की तरह है। जैसे मानव शरीर में हर कोशिका, हर अंग, हर स्त्रायु की अपनी एक भूमिका होती है, वैसे ही मानव जगत के निर्माण में हर किसी को अपनी भूमिका निभानी होती है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब। इस तरह दान देने में भी हर किसी की भागीदारी होनी चाहिए। अब पेश है इस श्रृंखला का यह सातवां और अंतिम एपिसोड, जिसका शीर्षक है दान के प्रति बाह्य दृष्टिकोण, समृद्धि और अनासक्ति। धन के प्रति हमारा दृष्टिकोण, हमारे विचार और जीवन शैली को तो प्रभावित करता ही है, किंतु उसका असर हमारे भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास पर भी पड़ता है। हम धन के बारे में क्या सोचते हैं, इसका प्रभाव हमारे समाज और समुदाय के विकास पर भी होता है। सौभाग्य से लगभग सभी महान धर्मों के पवित्र लेखों में हमें यह मार्गदर्शन दिया गया है कि धन के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। सभी धर्म इस बात पर सहमत हैं कि धन एक साधन है, हमारा लक्ष्य नहीं। हिंदू धर्म में जीवन के चार लक्ष्यों की चर्चा की गई है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म के बाद अर्थ यानी धनोपार्जन को महत्व दिया गया है, क्योंकि धर्म के कार्य के लिए भी हमें अर्थ यानी धन की जरूरत होती है। साथ ही यह भी बताया गया है कि धन कमाने का उद्देश्य इन चार यज्ञों यानी पवित्र कर्तव्यों को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए। पहला ब्रह्म यज्ञ अर्थात ईश्वर की सेवा, दूसरा पितृ यज्ञ अर्थात परिवार एवं पुरखों की सेवा, तीसरा मनुष्य यज्ञ अर्थात मानव जाति की सेवा और चौथा भूत यज्ञ अर्थात जीव मात्र की सेवा। जो धन इन चारों सेवाओं के निमित्त नहीं बल्कि केवल स्वार्थ और लोभ की पूर्ति के लिए है, वह धन पवित्र नहीं है। केवल धन संग्रह के लिए धन कमाना भी उचित नहीं है। कुरान में कहा गया है, जो लोग सोना चांदी का संग्रह करते हैं और उसे अल्लाह के मार्ग पर खर्च नहीं करते, उनसे कह दो कि एक भयावह दंड उनकी प्रतीक्षा में है। उसी तरह धन कमाने का उद्देश्य अपनों को दूसरे से बड़ा सिद्ध करना और घमंड करना भी नहीं है। बाइबल में कहा गया है, आज की दुनिया में जो भी अमीर लोग हैं उन्हें यह आदेश है कि वे घमंड ना करें और ना ही धन पर अपनी आशा टिकाएं, क्योंकि धन अनिश्चित है, बल्कि वे ईश्वर में भरोसा रखें जो हमारे सुख के लिए हमें सब कुछ प्रदान करता है। उन्हें यह आज्ञा है कि वे नेक बने, सत्कर्मों में श्रेष्ठ बने और उदारतापूर्वक एवं स्वेच्छा से अपने धन का अंश दूसरों के साथ भी साझा करें। बहाई धर्म दुनिया का नवीनतम धर्म है। यह उस युग का धर्म है जब हमारा आर्थिक जीवन ज्यादा उन्नत और जटिल हो गया है। इसलिए यह स्पष्ट है कि बहाई धर्म में धन के बारे में ज्यादा आधुनिक एवं व्यापक दृष्टिकोण पाया जाता है। तो आइए हम धन के बारे में कुछ प्रमुख बहाई विचारों को समझें। ईश्वर के प्रति प्रेम सर्वोत्तम धन है। बहाई धर्म के प्रवर्तक युगावतार बहाउल्लाह कहते हैं, संपदा का सार मेरे प्रति प्रेम है। जो कोई भी मुझसे प्रेम करता है वह सभी संपदाओं का स्वामी है, और जो मुझसे प्रेम नहीं करता वह वास्तव में दरिद्र और अकिंचन है। धन आवश्यक है और धन कमाना एक प्रशंसनीय कार्य है। बहाई धर्म में धन का निषेध नहीं किया गया है। बहाउल्लाह ने अपनी परम पवित्र पुस्तक किताबे अकदस में लिखा है कि हमें सभी लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कुछ साधन सुनिश्चित किए हैं, तुम उनसे लाभ उठाओ और अपना पूरा विश्वास सर्वदर्शी सर्वप्रज्ञ परमात्मा में रखो। इस तरह धन हमारी और हमारे परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन है। धन के बिना समाज और दुनिया की सेवा भी नहीं की जा सकती, इसलिए धन का उपार्जन एक आवश्यक कार्य है। बहाउल्लाह कहते हैं, आवश्यकताओं की तुष्टि और प्रौढ़ता के चरण में पहुंच जाने के बाद हर मनुष्य को धन की जरूरत होती है। कला शिल्प या व्यवसाय के माध्यम से अर्जित ऐसा धन प्रज्ञावान लोगों की दृष्टि में प्रशंसनीय एवं सराहनीय है। स्पष्ट है कि बहाउल्लाह हमें अच्छे एवं उपयोगी कार्यों के माध्यम से धन उपार्जन की आज्ञा देते हैं, न कि गलत तरीकों से। सबको समृद्ध होना चाहिए, केवल मुट्ठी भर लोगों को नहीं। बहाई धर्म के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है, अत्यधिक अमीरी
और अत्यधिक गरीबी का अंत। अब्दुल बहा ने कहा है कि धन के प्रति हमारा दृष्टिकोण आध्यात्मिक होना चाहिए, ना कि लालच से प्रेरित। अब्दुल बहा ने ऐसी तीन महत्वपूर्ण शर्तों का उल्लेख किया है जो धन संपत्ति के बारे में हमें एक स्वस्थ दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। पहली शर्त यह है कि धन हमारे परिश्रम से कमाया होना चाहिए, न कि अनैतिक तरीकों से। दूसरी शर्त यह है कि व्यक्ति के पास चाहे जितनी भी अपार धन हो, किंतु धन का व्यय उचित तरीके से किया जाना चाहिए, न कि विलासिता की वस्तुओं के लिए। हमारे धन का एक हिस्सा मानव जाति के कल्याण के लिए भी खर्च किया जाना चाहिए। अब्दुल बहा द्वारा बताई गई तीसरी शर्त यह है कि केवल कुछ लोगों का अमीर हो जाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सारी मानव जाति को समृद्ध होना चाहिए। अगर हम इस तीसरी शर्त के अर्थ पर गंभीरता से विचार करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि समृद्धि के आध्यात्मिक नियम का संबंध केवल धन कमाने से नहीं, बल्कि उदारता पूर्वक दान देने से भी है। अब्दुल बहा ने एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह कही है कि दान देने पहले आता है और धन कमाना उसके बाद। इस तरह अब्दुल बहा ने भौतिक समृद्धि का एक नया मंत्र दिया है जो प्रचलित विश्वास से ठीक उल्टा है, क्योंकि आम तौर पर हम यह सोचते हैं कि धन कमाना पहले है और दान देना उसके बाद। बहाई कोष की स्थापना। बहाई धर्म दुनिया के प्रायः सभी देशों में फैला है। ईसाई धर्म के बाद यह दुनिया का सबसे व्यापक धर्म है। दुनिया भर में बहाई धर्म की 200 के करीब राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभाएं और लगभग 14,000 स्थानीय आध्यात्मिक सभाएं हैं। बहाई धर्म की सर्वोच्च संस्था विश्व न्याय मंदिर हाइफा इसराइल में स्थित है। इन संस्थाओं के प्रशासनिक एवं आध्यात्मिक खर्चों तथा मानव सेवा के क्षेत्र में संचालित की जाने वाली सैकड़ों परियोजनाओं के खर्चों को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं स्थानीय बहाई कोषों की स्थापना की गई है। बहाई कोष की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें केवल बहाई लोग ही दान दे सकते हैं। विश्व न्याय मंदिर ने अपने नौरूज 1974 संदेश में कहा है, ईश्वर के धर्म की खास विशेषताओं में से एक उसका यह सिद्धांत है कि उसके अपने उद्देश्यों के लिए उन लोगों से आर्थिक दान प्राप्त नहीं किया जा सकते जो बहाई नहीं है। बहाई कोष में सहायता देना एक ऐसा लाभ है जिसे बहाउल्लाह ने केवल अपने अनुयायियों के लिए ही सुरक्षित रखा है। हमें धन के प्रति अनासत होना चाहिए। अनासक्ति आध्यात्मिक उत्कृष्टता का प्रमाण है। अपने निगुण वचन में बहाउल्लाह कहते हैं, यदि तुझे अपार वैभव प्राप्त हो जाए तो हर्षोन्मादित ना हो, और यदि तुझ पर दुर्भाग्य टूट पड़े तो शोकाकुल ना हो, क्योंकि दोनों ही अवस्थाएं क्षण भंगुर हैं और दोनों समाप्त हो जाएंगी। एक अन्य जगह वे कहते हैं, सावधान, कहीं तू उससे ना आसक्त हो जा जो तेरे पास है, या अपने नाम या सुयश पर अभिमान ना करने लगे। तेरे योग्य यह है कि स्वर्गों और धरती पर जो कुछ भी है तू स्वयं उन सबसे अनासक्त कर ले। दुर्भाग्य की बात यह है कि हम जिस युग में जी रहे हैं उसमें धन को भोग वासना की वस्तु बना दी गई है। भौतिकवाद की शक्तियों ने धन के बारे में एक विकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया है, जिसमें प्रसन्नता को वस्तुओं के अर्जन और उपभोग पर ही आश्रित मान लिया गया है। बहाउल्लाह की विश्व व्यवस्था नामक पुस्तक में बहाई धर्म संरक्षक सोगी एफेंडी कहते हैं, पतनशील समाज की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है भौतिक चमक दमक, धन दौलत और सुखों के लिए अदम्य प्यास और पागलों की तरह उनके पीछे भागने की लिप्सा तथा भोग विलास में निमग्न होना। अब्दुल बहा ने कहा है कि यह स्पष्ट हो चुका है कि मनुष्य की प्रतिष्ठा और उच्चता पूर्णतया भौतिक सुखों और सांसारिक लाभों में निहित नहीं हो सकती। अतः जरूरी है कि आज के युग में हम धन के बारे में एक स्वस्थ दृष्टिकोण का सृजन करें, और यह याद रखें कि मानव जीवन के दो पहलू हैं, आध्यात्मिक विकास और भौतिक प्रगति। इनमें से किसी भी एक का होना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हम एक शरीर भी हैं और आत्मा भी। हमें धन का उपार्जन करना चाहिए, लेकिन धन उपार्जन का लक्ष्य भोग विलास या धन संग्रह मात्र ना होकर महान लक्ष्यों को प्राप्त करना होना चाहिए। अंत में विश्व न्याय मंदिर के शब्दों में, यदि धन उच्चतर लक्ष्यों को पाने का साधन बन जाए तो उसका उपार्जन प्रशंसनीय है, लेकिन यदि धन एक एकत्रित करना मात्र ही व्यक्ति के जीवन का केंद्रीय लक्ष्य बन जाए
तो यह किसी भी मनुष्य के लिए शोभनीय नहीं है। आशा है दान एक जीवन धारा श्रृंखला का हमारा यह आखिरी एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। आपके आध्यात्मिक विकास के लिए हम और भी रोचक विषय लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे, इसलिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे अगले एपिसोड देखना ना भूलें। धन्यवाद।